रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास खंड दो प्रतिलेखन संख्या 139 व 40 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। भाइयों और बहनों गौमा मुझे आज यहां आकर और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। स्टॉप ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। स्टॉप मैं इस संस्थान के प्राधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कौमा जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के 2 वर्ष में ही अग्रणी कार्य किया है। स्टॉप मैं उन छात्रों को भी बधाई देना चाहूँगा कौमा जिन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और जो अब व्यावहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। स्टॉप यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है जो युवा स्नातकों को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करता है। स्टॉप हालांकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी कौमा फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। स्टॉप मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के संगठनों के प्रबंध को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप इसके लिए प्रतिभावान युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी कौमा जिससे कि ऊंची योग्यता वाले नौजवान सक्रिय और कर्मठ प्रबंधकों का एक कॉडर बनाया जा सके। स्टॉप इसके लिए प्रबंध कार्य में लगे मौजूदा अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएं हैं कौमा उनमें रिसर्च कराई जाएगी। स्टॉप पैरा ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराए जाने का विचार बहुत ही उत्साहजनक है। स्टॉप अभी तक हमने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वालों के बारे में ही सुना है। स्टॉप हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्टॉप हमारी जनसंख्या के लगभग 80% लोग कौमा जो देहाती इलाकों में रहते हैं कौमा अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और उससे संबंधित दूसरे देहाती पेशों पर निर्भर है। स्टॉप इनमें बहुत बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर तथा दस्तकार लोग हैं कौमा जो हमारे उपयोग की बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। स्टॉप इस कॉलेज ने अतीत में देश की पुकार को सुना है और उस पर सराहनीय ढंग से अमल किया है। स्टॉप इसके विद्यार्थियों ने देशभक्ति के ऊंचे जज्बे से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। स्टॉप किसी भी शिक्षा प्रणाली के पीछे ऐसी ही भावना होनी चाहिए। स्टॉप आज़ादी से पहले शिक्षा संस्थानों के वातावरण में आज़ादी की भावना भरी होती थी। स्टॉप इसी प्रकार आज के हमारे शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय अखंडता और मानवता की सेवा की भावना रहनी चाहिए। स्टॉप मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरात कॉलेज के विद्यार्थी कौमा जो आज़ादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं कौमा वे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की कोशिशों में दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। स्टॉप मुझे बताया गया कि 7 वर्षों की अवधि में पूरी होने वाली
485 करोड़ रुपये की लागत वाली ऑपरेशन फ्लड द्वितीय स्टेज को ही हर साल ग्रामीण प्रबंध कॉडर के लगभग 400 नए स्नातकों की ज़रूरत है। स्टॉप पैरा भाइयों और बहनों, निर्धनता, भुखमरी, कौमा बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ जिहाद करने में कामयाबी कौमा मेरे इन नौजवान दोस्तों पर निर्भर करती है कौमा जो देहाती इलाकों में काम करेंगे। स्टॉप ग्रामीण क्षेत्र में अभी विकास की भारी संभावनाएं और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं कौमा जिनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और गन्ना और कौमा कपास कौमा तिलहन जैसे कृषि का कच्चा माल और अनाज पैदा करने वाले लोगों की खुशहाली बढ़ने से देश की आबादी के दूसरे वर्गों की खुशहाली भी बढ़ेगी। स्टॉप ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और संगठन के न होने के कारण असली उत्पादकों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पाते। स्टॉप संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से इस कमी की पूर्ति हो जाएगी और गांव के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे कौमा जिन्हें संगठित ग्रामीण विकास के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाना है। स्टॉप मुझे पूरी आशा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिशों के जरिए निर्धनता को मिटाने और गरीबी कौमा पद दलित और समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने में कामयाब होंगे। स्टॉप यह कोई आसान काम नहीं है। स्टॉप मैं एक गांव का रहने वाला हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शहरों में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लोगों की आकांक्षाओं को समझकर उनसे घनिष्ठता कायम करना कितना मुश्किल होता है। स्टॉप देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठिन होता है। स्टॉप फिर भी मुझे यकीन है कि इस बेजोड़ संस्थान में जो तालीम आपने हासिल की है कौमा उससे न केवल आपका ज्ञान और कार्यकुशलता बड़ी है कौमा बल्कि देहात के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय और हिम्मत भी आप लोगों में पैदा हुई है। स्टॉप पैरा जिन नौजवान स्नातकों ने यहाँ ट्रेनिंग पूरी की है कौमा वे ग्रामीण क्षेत्र में तब्दीली लाने के कगार और क्रियाशील साधने बनेंगे। स्टॉप हो सकता है कि ग्रामीण प्रबंध में इन्हें अपना काम धंधा पैसे की दृष्टि से इतना लाभदायक न लगे जितना कि बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है। स्टॉप परंतु उन्हें एक उन्नत और खुशहाल ग्रामीण भारत के नवनिर्माण में उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होगा। स्टॉप मुझे शक नहीं कि उन्हें संतोषजनक व्यवसाय मिल सकेगा और अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा। स्टॉप गुजरात राज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान है कौमा जिन्होंने आज़ादी की खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा दी थी। स्टॉप सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को कौमा खास तौर से देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी चाहिए। स्टॉप मुझे यकीन है कि
आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है, कॉमा अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत देंगे, स्टॉप। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, स्टॉप।